हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल। आप सब कैसे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सब कैसे हो बता सकते हो? कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके चैनल। तो मुझे बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि मेरे को जो सब्सक्राइबर सब्सक्राइब किए हैं वो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, जो नहीं किए हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहती हूँ, अपने दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। मैं जितना भी आपका धन्यवाद कहूँ उतना कम है। तो चलिए, मैं ये सेल्फ ब्राइडल मेकअप बता रही हूँ। स्किन प्रेप तो हो गया है, स्किन प्रेप करने के बाद मैंने ये मेकअप स्टार्ट किया है। वीडियो को फास्ट कर दिया है मैंने। तो जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया दोस्तों, वो मैट फाउंडेशन था, क्योंकि उसका टेक्निक पता चला हमको कि बरसात के मौसम में ये मैट फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया तो एकदम ड्राई ड्राई फील हो रहा था, समझ गए ना दोस्तों। तो अगर उसको अप्लाई करना है, मैट फाउंडेशन आपके पास है तो उसको आप उसमें ना थोड़ा सा क्रीम मिक्स करके अप्लाई करोगे ना तो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं फाउंडेशन अप्लाई, कंसीलर पहले मैं अप्लाई कर लिया था, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद कंटूर हो रहा है। कंटूर होने के बाद ब्लश लगेगा, ब्लश होने के बाद क्या है कि सेट होगा सारा बेस, ठीक है, लूज पाउडर से। तो सेल्फ ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं, उतना मतलब एथी नहीं है कि आप मेकअप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो घर पे, समझ गए ना दोस्तों। बहुत ही आसान है मेकअप करना, आई मेकअप करना, ब्राइडल अपना खुद का मेकअप करना, ठीक है। सामान बरसात के बाद तो शादी सीजन चल ही रहा, स्टार्ट होने ही वाला है, तो उसके लिए मैं ये मेकअप बता रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेकअप हुआ है, इसमें कोई फिल्टर यूज नहीं हुआ है गाइस। एक बात मैं बता देती हूँ आप सबको, फिल्टर लगाती तो अलग ही लुक आता, ठीक है ना। तो ये सारा मेरा मेकअप का कमाल है। तो जिनका फेस साफ रहता है ना तो उनके फेस में डार्क लगता है ब्लश, ठीक है। आप ये ज़रूर मतलब बैठा लीजिएगा अपना दिमाग में, जिनका फेस मतलब मतलब वाइट रहता है, मतलब साफ़ सुथरा रहता है, तो उसमें ना डार्क लगाइएगा ना तो अच्छा लगता है, लाइट भी लगाइएगा तो अच्छा लगता है, लेकिन डार्क भी हल्का लगाइएगा तो ठीक है। जो जिनका डार्क फेस रहता है ना उन पे ना डार्क ही लगता है ब्लश, क्योंकि पता नहीं चलता है ना। लेकिन अगर ज़्यादा मतलब कलर करेक्टर करने के बाद, फाउंडेशन कवरेज वाला लगाने के बाद अगर अप्लाई करोगे तो लाइटे अप्लाई करना, ब्लश अप्लाई करना, देख सकते हैं। तो मैंने आपको जो जो अप्लाई किया वो आपके आँखों के सामने है। और ये जो मेरा जो ड्रेस दिख रहा है, ये मेरा दुपट्टा है, साड़ी नहीं है गाइस। तो ये रहा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा? आई मेकअप के साथ लिपस्टिक भी, आई मेकअप दोनों सेट खा रहा नहीं गाइस। और फेस मेकअप देख ही सकते हैं, ये ब्राइडल के लिए तो परफेक्ट है मेकअप, जो कि मतलब कहीं क्या भी जिनको पसंद है ऐसा मेकअप कर सकती हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर एक वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, थैंक यू सो मच गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय गाइस।